हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। आज हम आप लोगों के साथ हेयर स्पा शेयर करने वाले हैं। तो सब हेयर स्पा करने से पहले हमें जो है बालों में अच्छे से शैम्पू कर लेना है, और शैम्पू को एकदम अच्छे से हल्का हल्का मसाज देते हुए अच्छे से कर लेना है। और कान के अंदर हम छोटे से थोड़े से कॉटन डालेंगे, यानी कि रुई डालेंगे, ताकि पानी जो है कान के अंदर ना जाए। और इस तरीके से देखिए खूब थोड़ा सा मसाज देते हुए अच्छे से शैम्पू करेंगे, ताकि बाल हमारे अच्छे से साफ हो जाएं। हमें कंडीशनर नहीं लगाना है, केवल हमें शैम्पू करना है। और क्लाइंट को जो है हल्का हल्का ऐसे मसाज देते हुए अच्छे से इस तरीके से हमें शैम्पू करना है, ताकि शैम्पू हमारे पूरे अंदर एकदम अच्छे से लग जाए। और आप लोग ऐसे जानते ही हैं कि हेयर स्पा हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हमारी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, और हमारे कितने भी बाल अगर टूट रहे हैं तो वो भी रुक जाते हैं। और महीने में हमें कम से कम 2 बार हेड मसाज भी लेना चाहिए, ऑयल हेड मसाज लेना चाहिए, और महीने में 1 बार हमें हेयर स्पा लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम शैम्पू करेंगे। शैम्पू हमने कर लिया है, और इसको हल्का हल्का से, ज़्यादा नहीं, हम ड्रायर नहीं लगाएंगे, बस हल्का हल्का सा तौलिया से ऐसे सुखा लेंगे पानी। और बाल हमारे गीले ही होंगे, और उसी बाल में हमें क्रीम को लगाना है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम पानी को सुखा लेंगे। और ये हमारी हेयर स्पा क्रीम है, और इसको हम चम्मच से बाउल में निकालेंगे। लेंथ के अकॉर्डिंग हमें क्रीम को निकालनी है। लेंथ को हम देख लेंगे कि हमारे बाल में कितनी क्रीम लग जाएगी, उस हिसाब से हम निकालेंगे। क्रीम को थोड़ा कम ही निकालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो क्रीम यूज हो रही होगी, अगर वो बच जाएगी तो उसको हम फिर डिब्बे में नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्रीम हमारी फिर डिब्बे वाली ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, जब हम क्रीम निकालेंगे तो अच्छे से उसको ब्रश से अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम छोटे छोटे ऐसे सेक्शन लेंगे, और इस तरीके से हम बालों पे मसाज करते हुए और अच्छे से एकदम क्रीम को लगाएंगे। क्रीम लगाते समय हमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। क्रीम को थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, ताकि हमारे बालों में एकदम अच्छे से लग जाएं, और क्रीम लगाते समय हम मसाज भी देंगे, जैसे कि आप लोगों को देखिए वीडियो में दिख रहा है। क्रीम को लगाएंगे, और 5 से 6 बार 7 बार हम ऐसे अपने हाथ को चलाएंगे, ताकि हमारे बालों में जो है अच्छे से मसाज हो जाए, और क्रीम हमारी अच्छे से लग जाए। तो हम चार पार्ट भी कर लेंगे, 4 पार्ट करके लगाएंगे। हमने जो है सेक्शन नहीं बनाया है, ऐसे जल्दी जल्दी आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। तो हम सेक्शन बना के भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। क्रीम को एकदम अच्छे से हमें लगाना है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्रीम अगर जड़ में भी लग जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो जड़ में भी आप लोग लगा सकती हैं। और उसके बाद जो है ऐसे पूरे बालों पे लगाइए, और बालों में ऐसे हल्का हल्का मसाज दीजिए। इस तरीके से पूरी लेंथ पे हम क्रीम को लगाएंगे। क्रीम को हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ये कोई इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसलिए हम ग्लव्स नहीं पहने हैं, और बिना ग्लव्स के भी हम इस क्रीम को लगा सकते हैं।
और बाल हमारे थोड़े गीले रहेंगे तभी हम इस क्रीम को लगाएंगे। उसमें अच्छे से क्रीम जो है लग जाती है और ये हमारे जो है पूरे बाल में क्रीम लग चुकी है। और अब हम जिस तरीके से हेड मसाज देते हैं, सारे स्टेप हेड मसाज वाले करेंगे, एकदम रिलैक्स वाले मसाज देंगे। और ये हमारे पॉइंट है, इसको हमें ज़रूर दबाना है, 1 2 3। तो ये हमारे पॉइंट हैं, तो इसको भी हमें दबाते हुए मसाज को देना है और एकदम रिलैक्स, जो रिलैक्स जिससे फील हो हमें वही वाले मसाज देने हैं। और यहाँ पे एकदम हल्का सा नीचे से गले से हाथों को उठाते हुए छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए इस तरीके से ऊपर ले जाते हुए मसाज देना है। जिस तरीके से हम हेड मसाज करते हैं बिल्कुल हमें वही सारे स्टेप करने हैं। और नेक पे भी हम थोड़ा मसाज देंगे, इस तरीके से हम अपने हाथों को चलाएंगे, कान के पीछे से अंगूठे को ले आते हुए एक अंगूठा हमारा नीचे से ऊपर जाएगा, फिर दूसरा फिर नीचे से ऊपर जाएगा। इस तरीके से देखिए जैसे आप लोगों को दिख रहा है, ये रिलैक्स वाले सारे स्टेप हैं। और फिर उसके बाद हम पाम मसाज देंगे। हमारे लिए हेड मसाज भी बहुत जरूरी है, हेयर स्पा भी एक मंथ में एक बार जरूर लेना चाहिए और हेड मसाज तो हमें कम से कम मंथ में दो बार तो लेना ही चाहिए, ऑयल हेड मसाज लेना चाहिए। इससे हमारे बाल अगर झड़ रहे हो तो रुकेंगे ही रुकेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और हमारी बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इस तरीके से देखिए हम बैक मसाज भी देंगे, इस तरीके से अपने हाथों को चलाएंगे। तो हमें हेड मसाज भी देना है, साथ में हमें थोड़े से बैक मसाज भी देना है ताकि क्लाइंट को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। इस स्टेप को करने से पहले हम क्लाइंट से पूछ लेंगे कि उनको ये स्टेप कराने हैं कि नहीं कराने हैं, उसके बाद हम इस स्टेप को करेंगे। और बाकी जो है सारे जितने रिलैक्स वाले स्टेप होते हैं वो सारे स्टेप को हम करेंगे। इस मसाज से जो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और बहुत ही रिलैक्स फील होता है। इस तरीके से देखिए जैसे कि हमारे हाथ चल रहे हैं, ये सारे रिलैक्स वाले मसाज हैं। अगर हमें माइग्रेन की भी दिक्कत है तो भी इस मसाज से बहुत ही हमें आराम मिलता है। ये सारे हमारे पॉइंट हैं तो इसको इस पे हमें ज़रूर मसाज देना है। और बैक मसाज भी देना है। अगर आप लोगों को हमारा बताने का तरीका अच्छा लगता हो या हमारे काम आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को जो है ये हेयर स्पा कैसा लगा। और इस तरीके से देखिए हल्के हल्के हाथों से प्रेशर लगाते हुए मसाज देंगे। अब पॉइंट को हमें ज़रूर ध्यान में रख के दबाना है।
ये मसाज हमारे हो चुके हैं और अब हम इनको स्टीम देंगे। और स्टीम में देने से पहले जो है जो कैप को हम लगाएंगे उस कैप को जो हम लगाएंगे तो उससे पहले हम जो अपने सिर में हमें जब हम जूड़ा बनाएंगे तो हमें हमारे सिर में कोई क्लिप नहीं होनी चाहिए और ना ही क्लिचर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम बैंड लगा देंगे और अगर हमारे बाल बड़े हैं तो ऐसे ही जूड़ा हम बना देंगे। अगर बाल हमारे नहीं रुक रहे हैं, क्रीम की वजह से फिसल रहा है, तो हम बैंड लगा देंगे। लेकिन हमें ना तो सिर में क्लिप लगाना है और ना ही क्लिचर को लगाना है। और इस तरीके से थोड़े से हम फोरहेड पे भी मसाज देंगे। अब पीछे जो हमारा प्रेशर पॉइंट है उसको हम हल्का सा दबाते हुए, हर पॉइंट को दबाते हुए इस तरीके से हम मसाज देंगे। और ये हमारे स्टीम वाले कैप हैं। और इसको हम हाई पे लगा रहे हैं। इसको हाई लेवल पे लगा रहे हैं और 15 मिनट हमने स्टीम दिया है और ये हमारे स्टीम हो चुके हैं। और 15 मिनट स्टीम हम देंगे और इन जब 15 मिनट हो जाएंगे तो स्टीम को फिर हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम कम से कम 5 मिनट तक अपने बाल को ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसको धुलेंगे। और बाल हमें एकदम अच्छे से धुल लेना है ताकि क्रीम जो है हमारे बाल में बिल्कुल लगी हुई नहीं होनी चाहिए। क्रीम एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये देखिए क्रीम भी हमारी धुल चुकी है, एकदम अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और अब हम इसको जो है तौलिया से थोड़ा सा ड्रायर करेंगे। पहले हल्का हल्का हम पानी को सुखा लेंगे। और ड्रायर को हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, तौलिया बाल के ऊपर हम तौलिया लगाएंगे, उसके ऊपर से हमें ड्रायर को चलाना है। इस तरीके से हम ड्रायर को चलाएंगे और बहुत टाइम के लिए हमें नहीं चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 मिनट के लिए चलाएंगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं चलाना है। और लास्ट में फिर हम सीरम लगा देंगे। तो ये ड्रायर हमारे हो चुके हैं और अब हम सीरम लगाएंगे। पूरे बालों में एकदम अच्छे से हमें लगाना है। आप लोगों को हम कॉम करके भी दिखा रहे हैं, इसमें जरा से एकदम उंगली हमारी जो है पूरी एकदम अच्छे से निकल जा रही है। ये देखिए बहुत ही सिल्की बाल हो गए हैं। ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो ये आप लोग देख सकती हैं।